शिवाय। राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र। यदि आप किसी युवक युवती स्त्री पुरुष का संभोग वशीकरण करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए। वशीकरण का जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो आपके मन में शांति होनी चाहिए, अस्थिरता होनी चाहिए। संभोग वशीकरण का अर्थ यह नहीं है कि किसी के नैतिक मूल्यों के खिलाफ हम इसका प्रयोग करें, कानून की दृष्टि के खिलाफ इसका प्रयोग करें। वशीकरण से ऊपर का यह लेवल है, नेक्स्ट लेवल है वशीकरण का। इसका प्रयोग करने के बाद वह आपकी इच्छा अनुसार चलेगा या चलेगी, जिसको भी आप अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहते हैं। यदि आप लोग रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है, बात बात पर लड़ाई झगड़े मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं, वर्षों का साथ अचानक से टूटने लगा है, अब लगता है कि सब कुछ बिखर जाएगा, टूट जाएगा, तो वहां इसका प्रूफ किया जा सकता है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की वाटें बढ़ती जा रही हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़े मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। रिश्ता कोई भी हो, किसी को भी बैलेंस किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप काम के लिए ही इसका प्रयोग करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, यह पावरफुल टोटका होता है, पावरफुल मंत्र होता है, पावरफुल यंत्र होता है, अतः सावधानी से ही करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से इसका दुरुपयोग करेंगे तो देर सवेर खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अतः अपने बुद्धि विवेक के अनुसार इसका प्रयोग करें। और यदि आप कोई प्रयोग करने जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं है यह भली बात जान लें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो प्रयोग में सफलता नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो लंबे समय के बाद मिलती है। और यदि एनर्जी आपकी बैलेंस है तो किसी प्रयोग में तुरंत ही सफलता मिल जाती है। हर जगह आपकी ख्याति आएगी, हर जगह मान सम्मान बढ़ेगा, और जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगी उसमें सफलता मिलेगी। अतः आवश्यकता है अपने भीतर के वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जिसको आजमा करके अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं और किसी प्रयोग में आपको सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो एकांत जगह में प्रयोग करें, जहां कोई शोरगुल ना हो, ना शोरगुल होने की संभावना हो। अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो गुरु की तलाश जरूरी है। गुरु के अभाव में किया गया प्रयोग सफलदायक नहीं होता है, अतः गुरु का होना बहुत आवश्यकता है। आप गुरु को तलाश करके ही प्रयोग करें, सफलता मिलेगी। फिर भी यदि आपको गुरु ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो भी आप परेशान ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हैं, मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने तमाम बहनों से, भाइयों से, माताओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप का प्रयोग करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना नाम, अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो, जो भी समस्या हो व्हाट्सएप करें। फोन कॉल का प्रयोग न करिए, फोन कॉल समय से रिसीव नहीं होता है, आपको दुख होगा। अनेकों कॉल आने के चलते मोबाइल को साइलेंट ही रखना पड़ता है, कभी कभी तो फोन रिसीव हो सकता है, कभी कभी नहीं। अतः व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको समय दूंगा, उस समय आप कॉल करिएगा। और आज के प्रयोग में एक मंत्र की आवश्यकता है, जरा मंत्र को ध्यान से देखे, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है,
संभोग गति करो करो, वश्यमि करु रमणी देवो स्वह स्वह। जरा पूरी विधि जरा आप समझ लीजिएगा। यह प्रयोग युवक युवती स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। जो मंत्र मैंने दिया है उसको एक कागज के ऊपर आपको लिख लेना है और फिर इसे अपने जूते में रख लेना है। इसके बाद आप जिसके भी साथ संभोग करना चाहते हैं उसका नाम मन ही मन लेते हुए उसके पास से गुजरें। इस उपाय को करने से तुरंत असर दिखना शुरू हो जाएगा। जिसके लिए भी इसका प्रयोग करने जाएंगे वह तुरंत आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बंध जाएगा या बंध जाएगी। मैंने यहाँ भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है या किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या हो तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा हुआ फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।